नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह इतना रहस्यमय है कि उसके बारे में सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। यह मंदिर इतना पुराना है कि यह रामायण काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं इस मंदिर में साक्षात भगवान विष्णु का वास है। यह मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस मंदिर में एक गुरु की मम्मी भी रखी है और वह भी 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दोस्तों, यह भारत का इकलौता मंदिर है जहां पर एक मम्मी रखी हुई है। कौन सा है ये मंदिर और कहां पर स्थित है? इस मंदिर में किसकी मम्मी रखी गई है? यह और इस मंदिर के बेहद चौंका देने वाले रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा, पर आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्रीरंगम में स्थित है यह बेहद रहस्यमय मंदिर। इस मंदिर का नाम है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर श्रीरंग नामक द्वीप पर बना हुआ है, जिसे भूलोक का बैकुंठ भी कहा जाता है। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल होने के साथ साथ देश का सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को श्री रंग मंदिर, भूलोक, बैकुंठ आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इस मंदिर का परिसर इतना विशाल है कि इसका क्षेत्रफल 6,31,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और परिधि 4,116 मीटर की है। श्री रंगनाथ मंदिर का परिसर 7 प्रकारों और 21 गोपुरमों से मिलकर बना हुआ है। इस मंदिर का मुख्य गोपुरम यानी मुख्य द्वार 236 फीट ऊंचा है और इसे राज गोपुरम भी कहा जाता है। इस मंदिर में जो शिलालेख हैं वो प्रमुख रूप से चोल, पांडे, होयसाल और विजयनगर राजवंशों से संबंधित हैं। तमिल महीने मार्गजी दिसंबर से जनवरी के दौरान आयोजित वार्षिक 21 दिन के त्योहार में 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस मंदिर में आते हैं और श्रीरंगम मंदिर को विश्व के सबसे बड़े कार्यशील हिंदू मंदिर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में देवताओं की लंबे समय तक भगवान राम के द्वारा पूजा की जाती थी और रावण पर राम की जीत के बाद यहाँ के देवताओं को राजा विभीषण को सौंप दिया गया था। वापस लंका जाने के रास्ते में भगवान विष्णु विभीषण के सामने उपस्थित हुए और इस स्थान पर रंगनाथ के रूप में रहने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया और तब से कहा जाता है कि भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में यहाँ पर वास करते हैं। पुराणों के अनुसार गौतम ऋषि ने तप करके नासिक में गोदावरी नदी को देवलोक से पृथ्वी पर बुलाया था। गोदावरी नदी के तट पर ही गौतम ऋषि का आश्रम भी था। गौतम ऋषि के बढ़ते यश कीर्ति से अन्य ऋषिजन जलने लगे थे। इसके चलते गौतम मुनि पर हत्या का गलत आरोप लगाकर उन्हें आश्रम से बाहर कर दिया गया था। आश्रम से निकाले जाने के बाद गौतम मुनि बेहद दुखी रहने लगे। एक दिन वह कावेरी नदी के तट पर पहुंचे और फिर इसी जगह श्रीरंगम में भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर स्वामी रंगनाथ के रूप में दर्शन दिए। दार्शनिक गुरु रामानुजाचार्य से भी इस मंदिर का गहरा और खास संबंध है। इतिहास के अनुसार श्री रामानुजाचार्य अपनी वृद्धावस्था में यहाँ पर आए थे और तकरीबन 120 वर्ष की आयु तक श्रीरंगम में रहे थे। कुछ समय बाद भगवान श्री रंगनाथ से देह त्याग की अनुमति ले अपने शिष्यों के सामने उन्होंने देहवासन की घोषणा कर दी। माना जाता है कि भगवान रंगनाथ स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही
उनके मूल शरीर को मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने में रखा गया है। यह मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां वास्तविक मृत शरीर को हिंदू मंदिर के अंदर कई वर्षों से रखकर उसकी पूजा की जा रही है। मंदिर में रामानुजाचार्य के हजार वर्ष पूर्व के मूल शरीर को आज भी संभाल कर रखा गया है। आमतौर पर मम्मी निद्र अवस्था में ही रहती हैं, लेकिन रामानुजाचार्य की मम्मी सामान्य बैठने की स्थिति यानी उपदेश मुद्रा में प्रतीत होती है। मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे उनकी मम्मी को रखा गया है। इस मम्मी पर केवल चंदन और केसर का लेप लगाया जाता है। इसके अलावा किसी भी अन्य रासायनिक पदार्थ का उपयोग इस मम्मी पर नहीं किया जाता है। पिछले 878 वर्षों से केवल कपूर चंदन और केसर के मिश्रण को 2 साल में एक बार रामानुजाचार्य की मम्मी पर लगाया जाता है। इस लेप के कारण उनका शरीर केसरिया रंग में परिवर्तित हो चुका है। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यह गोदावरी और कावेरी नदी के मध्य में बना हुआ है। हर मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यहाँ रंग जयंती उत्सव का आयोजन होता है जो कि 8 दिन तक धूमधाम से चलता है। मान्यता है कृष्ण दशमी के दिन कावेरी नदी में स्नान करने से 8 तीर्थों में नहाने के समान फल प्राप्त होता है। इस मंदिर को इसलिए धरती के बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति है। इस मंदिर में 200 भक्तों को मुफ्त में भोजन कराए जाने की रीत है। फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा कर्नाटक युद्ध के दौरान यहाँ की मूर्ति की आंख से हीरा चोरी हो गया था। तकरीबन 190 कैरेट का यह हीरा मॉस्को कैमरिन के डायमंड फंड में आज भी संरक्षित है। यह मंदिर का निर्माण किसने कराया था और कब कराया था इस बारे में कोई भी सटीक तथ्य आज तक नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, ये थे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से जुड़े हुए बेहद रहस्यमय और रोचक तथ्य। अगर आपको यह पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको रंगनाथ स्वामी मंदिर में जाने का अवसर कभी भी प्राप्त हुआ हो तो कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।